बस सोने जा रहा था यार। अनु बाथरूम में, भाभी जी के दीदार तो हमें रोज होते हैं, उनके दीदार तो हमारी जिंदगी का टॉनिक है। क्या देख, हम ना बड़े इत्मीनान पसंद आशक हैं। हमसे जो ये भागड़ वाली आशिकी है ना, वो अपने को समझ नहीं आती अपनी आशिकी। किससे बात हो रही थी? वो प्रेम पका रहा था। अच्छा, तुम पक रहे थे? बस मैंने 5 मिनट तो बात की, हेलो हाय की और मैंने फोन रख दिया। कहाँ पक रहा? अच्छा खैर छोड़, ये बताओ कि परसों क्या है? परसों संडे। रोज संडे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने लिए अपने संडे। परसों संडे के अलावा क्या है? परसों संडे के अलावा, आई गॉट इट, 10 सितंबर, राइट? और 10 सितंबर को क्या है? 10 सितंबर को क्या है? प्रेम का बर्थडे तो आता है अप्रैल में, बंटी का भी अप्रैल में आता है, शशांक का, मनोज का, इसका सब जुलाई में, अपना मंजू का भी अगस्त में। यार मुझे याद नहीं आ रहा यार, 10 सितंबर को क्या है? हाँ, अब क्यों याद होगा, अब तो बीवी बन गई हूँ ना मैं तुम्हारी। कॉलेज के जमाने में क्या कहते थे मुझसे, बेबी 10 सितंबर तो मेरे दिल पे छप गया है। क्या क्या करते थे मेरे बर्थडे के लिए, हाँ, खून से लेटर लिखते थे, क्या क्या गिफ्ट देते थे मुझे। और अब सबके बर्थडे याद है, अपने चिंटू मिंटू पिंटू सबके बर्थडे याद है, लेकिन मेरा बर्थडे याद नहीं है तुम्हें? अनु, अनु, I'm sorry. देखो, मेरे दिमाग से निकल गया यार। दिमाग से निकल गया तो अपने दोस्तों का बर्थडे दिमाग से नहीं निकला? यार मुझे लोगों के बर्थडे याद नहीं रहते हैं यार। देखो ना, मुझे टीका मलखान का बर्थडे कहाँ याद है बताओ मुझे। यानी कि तुम्हारी नजरों में मेरी तुम्हारी जिंदगी में हैसियत सिर्फ टीका मलखान के जितनी है? I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया। I'm sorry, okay? I'm really sorry. Please scene मत create करना। Scene मैंने scene तुमने create किया है। मैंने create किया scene, उसके लिए I'm sorry, 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 sorry and lots of sorrys, okay? I'm sorry. इससे कोई काम नहीं चलेगा। तो क्या करूँ, खिड़की से कूद जाऊँ? नहीं, मुझे एक शानदार बर्थडे पार्टी दो जिसमें पूरी कॉलोनी को बुला। Are you mad? मतलब मैं पार्टी दूँ? मैं कहाँ से पार्टी दूंगा यार, मेरे पास पैसे कहाँ है यार? That's not my problem. मुझे पार्टी चाहिए बस। ये कैसी बातें कर रही, मैं पार्टी कहाँ से ला कर दूंगा तुम्हें यार? मतलब पार्टी कैसे दूंगा तुम्हें यार? हम क्या अपने को बेचाओ मार्केट में? बेचाओ, कोई खरीद रहा तो बेच दो अपने आप को, मुझे पार्टी चाहिए, that's it. Be ready. My God. Good night. Anu? Dang dang dang. Dang 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 हाँ मिनल, अरे नहीं यार, नहीं नहीं इस बार कोई पार्टी शार्टी नहीं है। अरे नहीं, विभू ने एक्चुअली कहा था कि चलो एक शानदार सी पार्टी देता हूँ, पर मैंने ही मना कर दिया। I just said no, इस बार छोड़ो। कुछ भी ऐसा नहीं है, पता है विभू को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था। He forgot कि 10 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है। Can you believe it? और जब मैंने उससे कहा कि शानदार पार्टी देते तो मेरे मुंह पे मना कर दिया उसने। अरे 10 सितंबर को भाभी जी का जन्मदिन है। अनुराग भी तेरा बर्थडे भूल जाता है। तो छोड़ यार, ये सारे के सारे आदमी ना एक ही जैसे होते हैं, ऑल मेन। भाभी जी घर पर हैं? अरे सुन ना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल, ओके बाय। और तिवारी जी कैसे हैं? बस भाभी जी, पिछली रात एक बहुत खूबसूरत सा स्वप्न देख लिया। कैसा स्वप्न? स्वप्न में देखा भाभी जी की एक निहायत ही खूबसूरत औरत केक काट रही है।
उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग मौजूद हैं और वो गा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जैसे ही हमने करीब जाके देखा तो पाया कि वो खूबसूरत महिला तो आप है। क्या बात कर रहे थे भाभी जी, आपने ऐसा सपना देखा? जी भाभी जी, बिल्कुल यही ख्वाब देखा। और ख्वाब में ये भी देखा कि आपका बर्थडे 10 सितंबर को आता है, वो भी कल। क्या बात कर रहे तिवारी जी, आपने इतना एक्यूरेट ख्वाब कैसे देख लिया? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमने ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, हम तो दरअसल परिहास कर रहे थे। हाँ, परंतु लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है तिवारी जी कि आपको ये याद हो कि मेरा बर्थडे 10 सितंबर को है? आपको सच में मेरा बर्थडे याद था? भाभी जी, हम अपना बर्थडे भूल सकते हैं लेकिन आपका नहीं। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। देखो, पड़ोसियों को बर्थडे याद है लेकिन खुद के पति को याद नहीं। आपके वो कुछ ऐसे से फड़फड़ाए? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आपको अंगूरी जी का बर्थडे याद है? अरे, अंगूरी का बर्थडे तो हमें याद ही नहीं है। तिवारी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अंगूरी जी का बर्थडे याद है? हाँ भाभी जी, यूँ तो अंगूरी जी का बर्थडे तो हमारे रोम रोम में बसा है, हमारे दिल की दीवार पर लिखा है हैप्पी बर्थडे अंगूरी। क्या बात है, बड़ी लकी लेडी है अंगूरी जी की, उनके हस्बैंड को उनका बर्थडे हमेशा याद रहता है। गुड। तो क्या भभूति जी को आपको बर्थडे याद नहीं है? जाने दीजिए ना तिवारी जी, ये सब छोड़िए। ठीक है, छोड़िए, हटाइए, मटियाइए। फिर बर्थडे की पार्टी शार्टी कहाँ दे रही हैं आप? क्यों, आप अंगूरी जी को उनके बर्थडे की पार्टी देते हैं? भाभी जी, यूं तो साल भर तक अंगूरी के बर्थडे का इंतजार रहता है, फिर जब बर्थडे आता है तो हफ्ता भर तक पार्टियां चलती हैं, हलवाई बैठा दिया जाता है, बाहर खोल दिए जाते हैं, गुलफाम कली चलती रहती है पार्टियां भाभी जी। वाह, बड़ी लकी हैं अंगूरी जी, हम यहाँ तो पार्टियों का अकाल पड़ा हो। आपके होठ फिर से ऐसे से फड़फड़ाए। नहीं, मैं तो कह रही थी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अंगूरी जी बहुत लकी हैं। हाय बेबी, व्हाट्स अप? आपने भड़काया ना अनु को? जी नहीं, पहले से भड़की हुई थी। लेकिन आपने उसमें घी डालने का काम किया होगा। आपके केस में घी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब ये कि धिक्कार है आप पर। थू। सिक मैन। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके भी हो ना जुदा, आ कसम खा ले। भाभी जी, हमने आपसे जुदा ना होने की पहले ही कसम खा ली। हिलो भरभूति जी। भाभी जी, हम तो पहले से हिले हुए हैं, आप ही हैं जो टस से मस नहीं हो रही। क्या बोले? मैंने कहा कैसी हैं आप भाभी जी? बस आपका दुआ है। ठीक बा। भाभी जी, बस हम भी आपकी जवानी की सलामती की दुआ करते रहते हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आपकी सलामती की दुआ करते रहते हैं हमेशा। थैंक यू, वेरी स्मूथ। आई वुड लव टू। भाभी जी, इट्स नॉट व्हाट यू सेड, इट्स थैंक यू वेरी मच। सही पकड़े हैं। अरे, हम कहाँ बोल रहे थे कि वो अनीता जी का बर्थडे आने वाला है। भाभी, इट्स नॉट बर्थडे, इट्स बर्थडे। सही पकड़े हैं। 10 सितंबर को है, है ना? भाभी, इट्स नॉट सितंबर, इट्स सितंबर। सही पकड़े हैं। हाँ, 10 सितंबर का दिन बड़ा डेंजरस और खौफनाक दिन है। क्या बोले? मैंने कहा, यस यू आर राइट, इट्स 10th सितंबर। तो हम क्या पूछ रहे थे आपसे कि कोनो पार्टी वार्टी ना ही है का? कैसी पार्टी और क्यों पार्टी? पार्टी इज अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वहां पे कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं होती, एंड आई हेट पार्टीज एंड आई अवॉइड पार्टीज। मेरा तो ये फंडा है लाइफ का कि आई डोंट लाइक पार्टीज और पार्टीज। हम तो सोचे कि पार्टी होगा तो नाचेंगे, डीजे वीजे आएगा। व्हाट मतलब,
पार्टी में डांस करने वाली थी। हाँ, हमरा बहुत दिल कर रहा है अब पार्टी में डीजे वीजे के साथ डांस वानस करने का। वो कहा है ना कि बहुत दिन हुए हम डांस ही ना ही किए, वो लड़के भैया तो हमको करने भी ना ही देते हैं। भाभी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? What are you talking? अब तो पार्टी होगी और 100% होगी, और भाभी जी डीजे भी लगेगा और रख से भाभी जी भी होगा। Watch. ये कहाँ पार्वती जी कहाँ बोलते हैं, हमरी कछु ना ही समझ आता है। अब पहले बोलते हैं पार्टी ना ही होगा, अब बोलते हैं पार्टी होगा। अरे होगा तो नाच लेंगे और ना ही होगा तो ना ही नाचेंगे। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके भी हो ना जुदा, आ कसम खा ले। या टीका, तो ये कुत्ता की तरह मारो घसीट घसीट के। अरे ठहर गया। अरे सर, पेट्रोल पंप पे तेल ही नहीं है। कारे कौन सो कांड कर दो, कौन सी लोंडिया को छेड़ता हुआ इस बार? कैसी बातें कर रहे दुर्गा जी, मैं अपनी अम्मा की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ी है। मैं तो कल यहाँ पर चाय पीने आया था और यादराम के लोंडे के साथ में ना जुआ खेल रहा था। अरे वो पैसन वाले नहीं खेल रहा था तो हम यूँ टाइम पास कर रहे थे। और तू तू कहाँ तो बे? मैं लोंडिया छेड़ रहा था। छेड़ रहा हूँ तो ऐसे बता रहा हूँ जैसे भक्ति करके आ रहा हूँ, पूजा करके आ रहा हूँ, बड़ो नेकी को काम कर रहा हूँ का। दरोगा जी बाबू छोड़ो आप तो। नहीं तो बोल तो ऐसे ही रहो। अरे रहने तो बेवकूफ ढंग, आप तो हमारी रिपोर्ट लिखो। बोलो यार, फिर बोलो कहाँ है, बोलो। दरोगा जी हम तो जो ही है ना टाइम पास कर रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ से 8-10 लोग आए, हमें धो डाला होती। अरे ठहर गया, लोगांजन की तरह ना रो कर यार, बोल ना पर का है। कोते भी लोग कोते बोल पतो ना, वो तुम मुंह ढके आते सारे के सारे, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए, हमको दौड़ा। अरे सारे मुंह ढके लोगों से कोट रहा हुआ है तो हम क्या करते सब, तो समझ में नहीं आ रहा को हुए मुंह ढके थे तेरी, हमें समझ में नहीं आ रही रिपोर्ट। तो ऐसा कर थाने चल हमारे साथ, बढ़िया आराम से तसल्ली से हम लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या करने का हुआ। दरोगा जी का कांड कर दिया लोंडो ने? अरे इनकी कांड की छोड़ो भैया तिवारी, तो मैं क्या बताएं, शहर में बड़े असामाजिक तत्व घूम रहे हैं यार, हमें ऐसा आभास हो रहा है कहूं शहर में दंगा ना हो जाए। सोसो तुम का देख रहे यार, चलो थाने लिखे रपट यार, फिर मिले तुमसे हम। चलो चलो, दे धक्का, दे धक्का, दो ना धक्का इनका, तेल ही नहीं है। ए दरोगा जी, उसमें साइकिल के पैडल लगवा लो आप। लावे जरा एक ठो चाय पिला यार, बढ़िया सी। शादी करना भी ना गुनाह है, गुनाह। हाँ सही कहा आपने, आप जैसे बेरोजगार के लिए तो और भी बड़ा गुनाह है। काहे झल्लाए हुए हैं? वो चक्कर चल रहा है ना पार्टी का, बस उसी में। हाँ हाँ वो तो हमें पता है, भाभी जी का बर्थडे है तो। अरे दे काहे नहीं देते, पार्टी दीजिए और बात खत्म कीजिए। कहाँ से दूं, बेरोजगार आदमी, एक पैसा नहीं है मेरे पास, पार्टी दे दीजिए। ऐसे धिक्कार है आप पे भभूति जी, हम देखिए ना भाभी जी का बर्थडे साल में एक बार आता है और आप जो है वो मना लीजिए ना पार्टी वार्टी। यार तिवारी जी फिर वही बात कर रहे हैं आप, एक पैसा नहीं मेरे पास, एक फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास, कहाँ से दूंगा पार्टी। तिवारी जी एक काम कीजिए, आप ना मुझे 5,000 दे दीजिए उधार, मैं आपको होंगे दे दूंगा, ठीक है? पैसे उधार नहीं देंगे हम, मुझे बल्कि हम देंगे ना पार्टी, भाभी जी के बर्थडे की पार्टी हम देंगे, जितना भी लगेगा 10-20 हज़ार रुपए हम देंगे, आप चिंता ना करें। ताकि पूरे शहर में चर्चा कर दें आप कि पार्टी आपने दी है, अरुणु मुझे जिंदगी भर ताने दे। अरे हम बताएंगे तब ना, हम और आप किसी को बताएंगे नहीं कि पार्टी हम दे रहे हैं, बल्कि हम तो लोगों से ये कहेंगे कि पार्टी आप दे रहे हैं, आप। तिवारी जी कई बार ना आप मुझे सरप्राइज कर देते हैं यार, भाई सीरियसली यू नो
इस कमीनी शक्ल के पीछे एक अच्छा खासा आदमी छुपा हुआ है ना। I really get surprised sometimes, you know, you surprise me. Thank you. अरे अभी आपने हमारा कमीनापन देखा कहाँ है, एक बार पार्टी तो होने दीजिए, फिर देखिए पार्टी में एक एक आदमी को बताएंगे कि पार्टी हमने दी है। हेलो, हेलो अनु बेबी। अनु मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बात तो सुनो मेरी अनु यार, डोंट बी लाइक दैट प्लीज। हाँ सुनो तुम्हारी बात। हाँ तुम्हें मेरा बर्थडे तक तो याद नहीं रहता, और जैसे तैसे मैंने तुम्हें अपना बर्थडे याद दिलाया, तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है? कैसी बातें कर रही हो यार, मुझे बहुत खुशी है। I'm so happy यार, happy birthday to you. Please, हाँ खुशी है। छोटी सी तो ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं कर सकते तुम। अरे मैंने तुमसे कौन सा महल मांग लिया था, एक बर्थडे पार्टी मांगी थी जिसके लिए भी तुमने मुझसे मना कर दिया। बात तो सुनो यार, मुझे उस बात का बेहद अफसोस है यार। मैं इस बात का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ना मुझे पता है तुम कैसे प्रायश्चित करोगे। घर की सारी लाइट्स बंद कर दोगे, उसके बाद डिनर टेबल पे एक कैंडल लाइट जलाओगे, और फिर खाना खिलाओगे और डिंगे हाँकोगे, देखो अनु मैंने तुम्हें कैंडल लाइट डिनर कराया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो फिर क्या करोगे? बाहर जाके डिनर खिलाने के तो तुम्हारे पास मेरे लिए पैसे ही नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक ग्रैंड बहुत शानदार पार्टी दूंगा। प्लीज विभू, मुझे ना ऐसे वाहियात मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे बहुत ही ग्रैंड और बहुत शानदार पार्टी दूंगा ताकि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। अच्छा? जी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ ये ग्रैंड और शानदार पार्टी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब ये मत पूछो कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे हैं इसलिए पार्टी दे रहे। समझ गई, तुम जरूर किसी से उधार ले रहे होगे और बाद में वो उधार मुझे ही चुकाना पड़ेगा। मैं किसी से उधार नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मेरे अपने पैसे जिनसे मैं पार्टी कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कहाँ से आ गए पैसे? तुम्हारे अकाउंट में तो 100 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए में दोगे शानदार पार्टी? यार मैंने एक पॉलिसी बेची है यार, उसके मुझे पैसे मिले जिससे मैं पार्टी कर रहा हूँ। Yes. तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? यार वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया ना। कितने अच्छे हो, तुम मुझे पार्टी दे रहे हो। पार्टी तो कोई और दे रहा है बेबी, हम तो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। ठुमका रे मारा ठुमका, बदल गई चाल मितवा, देखो 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 रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हम। भाभी जी हम तो कब से आपका कमाल देखने के इंतजार में हैं। क्या बोले? भाभी जी मजा तो आज शाम को आएगा, अनु की बर्थडे पार्टी पे जब आप नाचेंगी डांस करेंगी। हाँ तो आप डीजे बुला लिए का? हाँ भाभी जी, कानपुर का बेस्ट डीजे, डीजे मस्तराम। आप डीजे मस्तराम को बुलाए हैं? That's right भाभी जी। भाभी जी लोग कहते हैं कि डीजे मस्तराम ऐसा म्यूजिक बजाता है कि मस्ती छा जाती है भाभी जी। हाँ हमने सुने हैं, ठीक बा। भाभी जी आप टूट टूट के नाचेंगी ना? हाँ नाचेंगे। भाभी जी आप बिखर बिखर के नाचेंगी ना? हाँ नाचेंगे ना। भाभी जी आप लहरा लहरा के नाचेंगी ना? हाँ तो बोल तो रहे हैं कि नाचेंगे। प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए। विभूति भैया आपको पका तो नहीं रहे ना? नहीं। वेरी गुड। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं भाभी जी को इनवाइट करने आया था, आज रात को अनु का बर्थडे है। मेरी भाभी माँ का बर्थडे? यस भैया, मुझे करेंगे ना इनवाइट पक्का? भाई आपको इनवाइट कर रहे हैं हम, आपके लिए हमने स्पेशली नंगी तारों का इंतजाम करवाया। आई लाइक इट। भैया पक्का आऊंगा, जरूर आऊंगा पक्का। लेकिन प्लीज आप फैलिएगा मत, ये पार्टी पढ़े लिखों की है, पागलों की पार्टी नहीं है। अच्छा भैया क्या है, देखिए मैं मानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपको भैया कहता हूँ, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी और IQ के मामले में ना स्टैंडर्ड जो होता है उस मामले में बहुत बड़ा हूँ मैं आपसे। बौने आप मेरे सामने। कह रहे हो भैया? अरे अपनी भाभी माँ का बर्थडे लौंडो। कौन? तो अंगूरी भाभी का बर्थडे है रे। अंगूरी भाभी का नहीं, अनीता भाभी को बर्थडे। तुम्हें कहा फायदो? विभूति भैया के पास इतने पैसे ना है कि वो हमें पार्टी दे सके। ना ना बहुत शानदार पार्टी दे रहे हैं विभूति जी। क्यों विभूति जी? हाँ मैं बहुत शानदार पार्टी दे रहा हूँ ऑफ कोर्स। लेकिन भैया जी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए?
तुम तो बचपन से कंगले हो। अरे मलखान कौन से उधार ले लिए होंगे, क्यों भैया है ना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। और भैया कौन को बर्थडे मनाओ जा रहा हो ससुर? अनीता भाभी का बर्थडे मनाया जा रहे हो है। हैं? गोरी मैम को बर्थडे है? अरे दादा तब तो पार्टी वार्टी हो रही हुए। बहुत शानदार पार्टी दे रहे हैं भभूति जी। अच्छा जे पार्टी दे रहे हैं, तब तो दाल चावल की पार्टी हो रही हुए। जी नहीं, दाल चावल नहीं है, 10 तरह के खाने हैं, 7 तरह की ड्रिंक्स हैं, लाइव म्यूजिक है और पोल डांस है, वो मैं करूंगा। अरे ठीक है हम आएंगे ना, गोरी मैम को विश करने आएंगे, तो पता चल जाएगा दाल चावल हैं कि का है सुत्र। मैं आपको इनवाइट नहीं कर रहा हूं। कबूली सुत्र, तुमने हमें नहीं बुलाओ? बिकॉज यू आर नॉट माई फ्रेंड।